Hi everyone, how are you all? I hope you all are good. I am Miss Lata, your English teacher, and today I am going to teach you the first chapter of your English, that is Tia's scrapbook. Okay, what do you know by scrapbook? Aapko scrapbook ke bare mein pata hai kuch? Scrapbook kya hoti hai? Yes, scrapbook wo book hoti hai jisme hum apni favorite pictures को ड्रॉ कर सकते हैं और स्टिक भी कर सकते हैं. ओके, हमको जो पसंद है, जो पिक्चर्स हमको पसंद हैं, उसको एक बुक में हम स्टिक करके, या कोई भी ड्राइंग हमको पसंद है तो उसको ड्राइंग में हम लोग ड्राइंग करके उसको हम लोग उसमें रख सकते हैं. यहाँ पर आपको दिया है, देखो टिया स्क्रैप बुक फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को एक स्क्रैप बुक दिया है. उस स्क्रैप बुक में क्या क्या है, देखो फिंगर्स हैं, फैमिली पिक्स हैं, कार्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी बुक जो है इस बुक में स्टिक की हुई है. ओके, यू कैन ड्रॉ एंड राइट इन द स्क्रैप बुक. नाउ वी मूव टू द टिया स्क्रैप बुक. टिया की स्क्रैप बुक में क्या है ये हम अभी देखेंगे. उसने क्या क्या चिपकाए हैं ये देखेंगे. ओके, टिया स्क्रैप बुक देखिए. टिया स्क्रैप बुक में रीडिंग जेंशन हम रीड करेंगे कि टिया हमको क्या कहना चाहती है. मीट टिया, देखो शी वॉन्ट्स टू शो यू हर स्क्रैप बुक. जो टिया है वो अपने स्क्रैप बुक जो है वो आपको बताना चाहती है कि उसमें उसने क्या क्या बनाया है. हाय, आई एम टिया, दिस इज़ माई स्क्रैप बुक, वुड यू लाइक टू सी इट? येस, वुड यू लाइक टू सी इट? क्या आप टिया की बुक स्क्रैप बुक देखना चाहेंगे? देखो उसकी बुक जो है स्क्रैप बुक उसमें हाथ में है, उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें चिपकाई हैं, जैसे कि फ्लावर्स के हैं, बर्ड्स के हैं, टॉयज के हैं. येस, सो चलो हम अभी टियाज की स्क्रैप बुक में क्या क्या है हम इसको देखेंगे. देखो टियाज की बुक में क्या क्या उसने चिपकाया है. फर्स्ट उसने क्या स्टिक किया है, दिस इज़ मी. मतलब टिया क्या बता रही है, दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, ये टिया है. दिस आर माई हैंड प्रिंट्स, मतलब ये टिया के हैंड प्रिंट्स हैं, हैंड्स के प्रिंट्स जो है उसने उस बुक में चिपकाए हैं. आई लव टू सिंग एंड डांस, और टिया कह रही है कि उसको गाना और नाचना जो है, सिंग एंड डांस बहुत पसंद है. ओके, देन दिस आर माई ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी को हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. उसके बाद जो उसने टिया ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोज़ जो है वो स्टिक की है और बता रही है कि ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स है. ओके, माई ग्रैंड मदर लव्स रीडिंग बुक्स, शी टेल मी मैनी स्टोरीज. वो बता रही है कि उसकी जो दादी है वो बुक्स बहुत पढ़ती हैं, उनको बुक पढ़ना बहुत पसंद है, और वो बुक पढ़ के उनमें से स्टोरी जो है वो टिया को सुनाती है. ओके, देन दिस इज़ माय ग्रैंडफादर, मतलब उसके आगे जो है वो ग्रैंडफादर है, उसके दादा है. ग्रैंडफादर लव गार्डनिंग, आई हेल्प हिम वाटर द प्लांट्स. फिर वो बता रही है कि उनकी ग्रैंडफादर जो हैं वो उनको बगीचा बनाने में, बगीचा संभालने में, पौधे फूल जो लगाने में, इनमें बहुत इंटरेस्ट है. तो वो जो है वो बगीचा संवारते हैं, और इनमें टिया उनकी क्या हेल्प करती हैं, प्लांट को पानी डालना, वाटर टू प्लांट डालने के लिए उनकी दादाजी को वो हेल्प करते हैं. ओके, आगे देखो उसने क्या चिपकाया है अपनी स्क्रैप बुक में, दिस इज़ माय मदर, उनकी मम्मी, उनके मम्मी का पिक जो है उन्होंने स्टिक किया है. शी लव्स टू पेंट, और उनकी मम्मी पेंटिंग करना उनकी मम्मी को बहुत पसंद है. शी इज़ आर्टिस्ट, कौन है उनकी मम्मी, आर्टिस्ट है, जो पेंट करते हैं उनको आर्टिस्ट कहते हैं, और उनकी मम्मी को जो पेंट करना बहुत पसंद है इसीलिए वो जो है वो आर्टिस्ट है. माय मदर हेल्प मी विथ माय लेसन, और उनकी मम्मी पेंट करके उनको टीना को अपने लेसन्स में भी हेल्प करती हैं. ओके, उसके आगे उन्होंने किसकी पिक चिपकाई है, दिस इज़ माय फादर, ही वर्क्स एट अ बैंक. ये उनके पापा की पिक उसने चिपकाई है, और उनके पापा क्या काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं. ही इज़ अ बैंकर, वो बैंकर है, बैंक में जो काम करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, बैंकर कहते हैं. माय फादर लव्स टू बेक, बैंक में काम करने के अलावा भी उनके पापा को क्या पसंद है,
बेक करना पसंद है। बेक करना मतलब जो केक वगैरह करते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ये उनको बहुत पसंद है। तो वो कह रही है कि माई फादर लव्स टू बेक, ही बेक्स टेस्टी केक्स। वो घर पे जब उनको टाइम मिलता है तो वो उनके पापा जो हैं जो टेस्टी टेस्टी केक बनाते हैं। ओके, उसके बाद उसने क्या किया है, देखो उसके बाद उसके किसने पिक्चर चिपकाई है, दिस इज़ माई बेबी ब्रदर। ये जो है वो टिया का छोटा भाई है। उसकी लुक एट हिज हैंड प्रिंट, उसने उसके हैंड प्रिंट्स, उसके हैंड के जो पिक्चर्स है, हैंड का पिक्चर है, वो उसने निकाल के चिपकाया है उसके ब्रदर का। ठीक है, इट इज़ सो टाइनी, आई लुक लाइक टू प्ले विथ हिम, आई सिंग राइम्स फॉर हिम टू। वो अपने भाई के साथ खेलती है, उसको पोएम सुनाती है, राइम सुनाती है, और उसके हाथ जो है वो कितने छोटे छोटे, वो भी छोटा है, उसके हाथ भी छोटे छोटे हैं। बाद में देखो उसके बाद उसने किसकी पिक चिपकाई है, दिस इज माई पेट। पेट पेट कौन है, वो पफी। दीस आर द पाम, देखो हमारे जैसे फिंगर्स होते हैं, जैसे उसने अपने फिंगर्स, अपने भाई के फिंगर्स स्टिच किए हैं, उसी तरह उसने पफी, पफी एक डॉग है, वो उसके भी उसने हाथ के जो पंजे हैं वो उसके ऊपर चिपकाए हैं। ओके, प्रिंट्स, प्रिंट्स चिपकाए हैं। पफी एंड आई प्ले विद अ बॉल, वो दोनों जो है वो बॉल से खेलते हैं। ठीक है, तो उसने उनका भी पिक इसमें चिपकाया है क्योंकि उसको पफी बहुत पसंद है। ओके, उसके बाद देखो, अब देखो उसने पूरा एक तरफ से पूरा पिक्चर का, पूरी फैमिली पिक्चर उसने अपनी बुक में लास्ट पेज में चिपकाया है। कौन कौन है इसमें, देखो माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पफी एंड माय फुल फैमिली, आई लव देम अ लॉट। वो कह रही है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग भी अपने फैमिली से प्यार करते हो ना? यस। सो ये उसने अपनी फेवरेट पिक्चर्स, मम्मी पापा, अपने पफी भाई, दादा दादी के सारे पिक्चर्स जो है एक बुक में चिपका के अपनी स्क्रैप बुक उसने तैयार की है, और उसने अपने फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन किया है। ओके, अच्छी लगी टिया की स्क्रैप बुक? ओके ओके, आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल्सो अ स्मॉल स्क्रैप बुक, मैं चाहती हूँ कि आप भी एक स्मॉल स्क्रैप बुक बनाएं जिसमें आपकी पसंद की जो पिक्चर है वो चिपकाई है, फैमिली पिक्चर्स या आपको जो भी थिंग्स पसंद है उसको ड्रॉ करके उस बुक में चिपकाई है। देखिए लास्ट में टिया ने अपनी एक ट्री डायग्राम जैसे फैमिली ट्री बनाई है, जिसमें फर्स्ट है उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर उसके फादर हैं, मदर है, फिर टिया है, फिर उसका भाई, उसका ब्रदर, छोटा भाई है। तो आप भी इस तरह से ट्री डायग्राम भी बना सकते हो, नहीं तो आपको जो पसंद है, आपकी पिक्चर्स जो है, पसंददार पिक्चर जो है, एक बुक में ड्रॉ कीजिए और चिपकाइए और स्क्रैप बुक बना दीजिए। आई वॉन्ट द स्क्रैप बुक शुड मेड बाई यू, मैं चाहती हूँ कि आप एक स्क्रैप बुक बना दीजिए और मैं आपको स्क्रैप बुक आप मेरे से चेक करवाएंगे। ये आपका होमवर्क है। सब बच्चे लोग जो भी हैं अपनी पसंदीदा चीज़ या फैमिली डायग्राम ऐसे बना के एक स्क्रैप बुक बनाएंगे। ठीक है, आपको भी बहुत पसंद आएगा जब आप आपकी खुद की स्क्रैप बुक बनाएंगे। ओके, थैंक यू।